देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ से एक बार दिखा दूँ, वो जो धाम है वही पावन धाम है जो, और काफ़ी मुसीबत भी इस बीच में हमारे साथ हुई लेकिन हमने यहाँ आना नहीं छोड़ा। और ये बहुत फेमस धाम है, मैं बता दूँ यहाँ अमेरिका जैसे देश के पावरफुल लोग यहाँ आ चुके हैं इस धाम का महिमा पाने के लिए। मैं बता दूँ एप्पल कंपनी का नाम से, हाँ जी वही जो लोगो देखते हैं कटा हुआ लोगो, वो एप्पल कंपनी के, और वो यहीं से मिला था दोस्तों, यहीं से इसी धाम से वो कंपनी का लोगो मिला है। ये देखो हम अपने सभी टीम के साथ, चलो गाइस नहीं लाइन लग जाएगी चलते हैं मंदिर। जोशी मठ का सिचुएशन बहुत अभी डेंजर चल रहा है दोस्तों। हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आप सभी का भाई राजा पांडे और आप देख रहे हैं राजा पांडे ब्लॉग चैनल। दोस्तों हमारा ये नैनीताल का ट्रिप स्टार्ट हो गया और ये पहला ट्रिप है और हम नैनीताल घूमेंगे और इसमें कैंची धाम घूमेंगे और मनसा देवी और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स घूमेंगे। तो हम होटल में अभी और होटल चेकआउट करके निकलेंगे और एक एटिका बुक किया हमें, एटिका से हम 5 लोग हैं। अगर आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको सीधे ले चलते हैं धाम की तरफ। अभी हम होटल से चेकआउट करके निकल रहे हैं, निकलने के बाद आप सभी को रास्ते मिलेंगे। और ये हमारे अभिनंदन भाई है, ये दूसरे सीरीज में, चैनल लाइक करो सब्सक्राइब करो फॉलो करो, तो आपको यही करना है, चैनल लाइक सब्सक्राइब फॉलो ही करना है और कुछ करना नहीं है। और वीडियो देख लीजिए फुल बात, बहुत मजा आने वाला, ज्यादा ज्यादा शेयर करो, शेयर करें और इसमें काफी इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं हम लोग दिखाएंगे और बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे कवर करेंगे जो कि दिखने में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं थोड़ी देर में। दोस्तों देख सकते हैं हम सभी एक साथ अभी हुए हैं, नाव फ्रेश होने के बाद चाय चल रही है और बस चाय के बाद हम लोग सीधे चेकआउट करेंगे, गाड़ी में आपसे मिलेंगे। तो देख सकते हैं हमारे दुबे जी और इधर अभिनंदन भाई और अनीस भाई और ये देखिए अतुल सिंह, सब एक बार हाय बोलो, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों ये हमारा रूम था जो कि हमने चेकआउट कर दिया और सभी लोग निकल चुके हैं और हमारा बैग पड़ा हुआ है। मैं आपको सोचा कि रूम दिखा दूं, तो ये देखिए दो रूम है, एक इधर है और एक उधर है और एक बाथरूम जो है देख सकते हैं, बाथरूम लाइट जलाइए, ये हमारा बाथरूम है जो कि फ्रेश है भाई, बहुत मज़ा आने वाली इस ट्रिप में, बहुत मज़ा। देखो यार काफ़ी वजन हो गया यार, काफ़ी चीज़ें हैं बैग में और ये सारे चीज़ें हम कैरी कर रहे हैं इसलिए कि ताकि आप सभी को मैं अच्छा से अच्छा क्वालिटी दे सकूँ। तो, देख सकते हैं ये हमारे ड्राइवर हैं जिनका कैब है, क्या नाम है आपका? मदन। मदन मदन, अगर आप लोग आते हैं नैनीताल में तो मदन सिंह से आप यहाँ, क्या पूरा नाम? मदन सिंह बिष्ट। मदन सिंह बिष्ट है, मिल लेना इनका नंबर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनकी कैब है और एटिका गाड़ी है, मस्त है। एक बार यहाँ से फिर से व्यू देख लीजिए फ्रेंड, ये है नैनीताल और हमने बैग देख लीजिए पैक कर लिया और चेकआउट भी कर लिया होटल से, बिल पे कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, बिल पे करने के बाद हम सीधे आप सभी से नीचे मिलेंगे। और ये इतना खूबसूरत वादियाँ मैं आप सभी को दिखा दूँ, ये है नैनीताल उत्तराखंड। तो आ जाओ निकलते हैं, हमारे साहब पे कर दिए। हाँ, तो क्या बोलते हैं हमारे पब्लिक को, लाइक सब्सक्राइब करने करेंगे, लाइक भी करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि पब्लिक को पूरा मजा आने वाला है और बाबा का आशीर्वाद चाहिए तो वीडियो नीम करोनी बाबा के साथ, और लाइक सब्सक्राइब करिए क्योंकि पांडे जी बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और हो सकता है कि बीच में ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूं पांडे जी से लेकर के। ओके ओके ओके, तो आपको कुछ नया ट्विस्ट मिलने वाला है। ओके ओके, तो चलिए मैं चलता हूँ सीधे कैब। कैब आ गई दोस्तों और यहाँ अब देख सकते हैं ये हमारा कैब है और अभी हम इस कैब में अपना सामान रखेंगे और उसके बाद। तो गाइस हम लोगों ने सभी लोग गाड़ी में आ गए और गाड़ी में बैठ गए और व्यवस्था बहुत बढ़िया टॉप क्लास का करा दी है। हमारे तरफ से जो भी आएंगे हम रिकमेंड करेंगे कि आप ही हमारे जितने भी हमारे दोस्त फ्रेंड आए हैं सभी का 9455444999 ये नंबर जो आपने देखा दोस्तों सुना, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको भी फीड कर दूंगा, अगर आप आ रहे हैं तो इनसे मिलिए, रहने का और घूमने का सारा प्रबंध करा देंगे, खाने पीने सब करा देंगे, टोटल एक कमरे कम से कम रेट में, उसमें सोचना नहीं है। और हम ये देख रहे हैं मदन भैया गाड़ी चला रहे हैं, भाई सलाम है ऐसे ड्राइवरों को जो इतना अपना जीवन यापन करने के लिए इतने खतरनाक सिचुएशन में भी गाड़ी चलाते हैं। और भाई यहाँ का ठंडी भी तो नेक्स्ट लेवल की होती है, हम लोग तो यार ज़मीनी असर से आते हैं, बाकी ये पहाड़ी एरिया और
काफ़ी ठंडा होता है, काफ़ी ठंडा होता है ना यहाँ। अभी तो फिलहाल इधर तो कोई ठंडा वाला वैसा बात दिखा नहीं, अभी तो ज़्यादा हम लोगों स्नोफॉल होगा तो माइनस में जाएगा टेम्परेचर। अच्छा अच्छा, तब जाके स्नोफॉल होगा। तो ये कब स्नोफॉल होता है? टाइम तो हो गया हमारे, लेकिन इस बार लेट हो गया। लेट हो गया ना, एक बार मैं आया था जून जुलाई में, काफ़ी दिन पहले रानी खेत गया था, वहाँ बहुत ठंडी पड़ती, सुबह शाम की ठंडी हड्डी गलाने वाली थी। मुझे लगा कि इस बार भी वही हाल होगा, लेकिन इस बार भाई दोस्तों ऐसे कोई सीन नहीं है। इधर थोड़ा सा अभी मौसम टाइट है, लेकिन ठीक है, घूमने के लिए बहुत बेस्ट समय अभी हम लोग चुने हैं। क्यों दोस्तों? हम लोग तो सोच रहे थे कि चलो भाई कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो गया, बहुत तैयारी व्यारी करके आए, बहुत बाइक करके हम लोग आएँ, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी हम लोग मस्ती से इंजॉय कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं भाई, ये देख रहे हैं पहाड़, देखो पहाड़ देख रहे हैं ना, सीधे एकदम पहाड़। हाँ इधर मतलब पूरा का पूरा पहाड़ है भाई, सीधे खड़ा हुआ है, और इस सीधे पहाड़ को काट कर ये रास्ता बनाया हुआ है। लैंडस्लाइड तो होता होगा कभी कभी, बहुत बरसातों में बहुत होता है ना, फिर तो रास्ते जाम हो जाते होंगे। तो भाई यहाँ देख सकते हैं, मतलब कि एक तरफ से तो सपोर्ट पहाड़ की है, दूसरी तरफ खाई है, अगर फिसले तो कहाँ गए कोई पता नहीं। तो ये हैं हमारे उत्तराखंड की लाइफ भाई, कोई भी पहाड़ी का लाइफ ऐसा ही होता है भाई। तो दोस्तों हम अपने दुबे साहब से पूछेंगे कि आपका सफ़र कैसा लग रहा है, तो बताइए दुबे जी। देखिए पांडे जी, सफर में सब कुछ ठीक। हाँ बिल्कुल, मौसम भी साथ दे रहा है। अच्छा अच्छा, और बाबा की कृपा से हमें मदन भैया भी मिल गए हैं। अच्छा अच्छा, सारी व्यवस्थाएं अभी हमारे पक्ष में चल रही है। पक्ष में चल रही जी, हाँ पक्ष में चल रही है। बस एक चीज की कमी है यार। और क्या? वो कमी ये है कि थोड़ा सा अगर हमें ठंड बढ़ जाती है। अच्छा, तो लगता है कि हाँ उत्तराखंड में। अच्छा, फीलिंग आ रही है कि हम लोग जो है अपने एरिया में घूम रहे हैं। अपने एरिया मतलब लाइक अपने एरिया जैसे कैसे देहात में, लखनऊ वाला तापमान, यूपी वाला तापमान जो रहता है, टेम्परेचर नॉर्मल है अभी यहाँ पर, कोई वैसा उत्तराखंड वाले टेम्परेचर नहीं है। और जो हम लोग का जो प्रस्थली ताप भी है कुंड का, वो उसी के आसपास हम लोग रह जा रहे हैं। देख ले माने जी, हाँ हाँ, हाँ आधुनिकता के दौर में जी जी हाँ, उन्होंने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। एक चीज देखिए कि पहाड़ों को काट करके इसमें घर बनाया गया, ड्रिल हुआ, कुछ जरूरतें थी, कुछ ठीक था, एक्सप्लोर करना था, पर अब आज जो उत्तराखंड में जो आज प्रेजेंट टाइम में, आज तारीख है 14 जनवरी 2023, दो दिन पहले ही हमारे उत्तराखंड जोशी मठ वगैरह हम देखिए, हाँ हाँ हाँ, तो दरार आ रही है भाई, जोशी मठ का सिचुएशन बहुत अभी डेंजर चल रहा है दोस्तों। तो प्रकृति के साथ जब आप छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। राइट पॉइंट ब्रो। जिस हिसाब से घर देख रहे हैं, 8-8 मंजिल, 7-7 मंजिल और पहाड़ को काट कर बनाया, तो वो तो अपना बदला लेगी। बिल्कुल वही तो बदला ले रही है भाई प्रकृति। देखो हर चीज मतलब अपने सिचुएशन से चलाती है पृथ्वी को, इंसान भूल से अपने आप को समझ लेते कि नहीं हम अपने सिचुएशन से चला रहे हैं। प्रकृति बदला नहीं लेती है, वो अपना बैलेंस बनाती है। तो मैंने बदला क्यों नहीं भाई प्रकृति, बैलेंस को आप बदला कह लो, बदला ही तो है भाई, उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपको क्या फल थोड़ी ना देगा यार। तो गाइज हम डायरेक्ट हम लोग नैनीताल से निकले हैं नीम करौली बाबा के लिए, बीच में कुछ पॉइंट तो नहीं देखेंगे ना दुबे जी? चलो चलो, पॉइंट है, रुकेंगे यहाँ नहीं, आते आने के बाद घुमाएंगे। हाँ हम लोग ने डायरेक्ट यहाँ से नीम करौली के लिए, नीम करौली धाम के लिए निकलेंगे, उधर से आते हुए कुछ पॉइंट कवर करेंगे। थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबा हो जाए 15-16 मिनट का, तो देख लीजिएगा क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने शूट किया है, और ऐसी तरह का मौज मस्ती आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों, बस यही है, अपना थोड़ा सा प्यार इस भाई को भी दे दीजिए बस, और क्या मैं आप सभी को बताऊं यार। दोस्तों देख सकते हैं हम कैंची धाम आ चुके हैं नीम करौली बाबा के दरबार में, और नीचे जाएंगे दर्शन करेंगे बाबा का। यार भाई बहुत दूर से ही आ रहे हैं हम लोग दर्शन करने के लिए बाबा का। तो ये जो देख रहे हैं एरिया, ये नीचे में ये देखो, हाँ देखो भैया ये है, और क्या हमेशा के हो गई वो नीम करौली धाम, जय हो नीम करौली बाबा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ से एक बार दिखा दूँ, वो जो धाम है वही पावन धाम है जो कैंची धाम, हम लोगों ने वहाँ से आया है इस धाम का दर्शन करने के लिए भाई। और हमारे मित्र देखे वहाँ जा रहे हैं, भाई रुक जाओ हम भी चल रहे हैं साथ में। तो दोस्तों आखिर में इंतज़ार ख़त्म हो गया और हम लोग पहुंच गए हैं कैंची धाम में, और मैं आपको ये दिखा दूं एरिया काफ़ी कूल है भाई, यहां आने के बाद एक अलग सा शांति महसूस हो रहा है भाई,
जैसा लग रहा है कि यार बरसों का इंतजार खत्म हो गया यार, ऐसा यहाँ आने से प्रतीत हो रहा है। और आइए मैं आपको नीचे चल के मिलता हूँ। और ये हमारा गिम्बल भी है और साथ में दोस्तों मैं दिखा दूँ गोप्रो भी है, गोप्रो भी है, सब कुछ व्यवस्था लेकर आया हूँ। बस बाबा के चरणों में अर्पित कर दूँगा कि बाबा ये आपकी है, अब आप संभालो, क्योंकि भाई इन लोगों के बिना अधूरी है कोई भी चीज़ें। तो ये है भाई उत्तराखंड का नीम करौली धाम, जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप भाई ये क्राउड पब्लिक, अभी हम प्रसाद लेंगे, यहाँ आ गए हैं प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेने के बाद सीधे मंदिर में चलेंगे दोस्तों। और बहुत बेसब्री हो रही है, बहुत दिल में जल्दी दर्शन करो दर्शन करो, तो उसके लिए प्रसाद लेंगे और प्रसाद को चढ़ाएंगे और फिर जाकर हम लोग दर्शन करेंगे। क्राउड यहाँ देख सकते हैं भाई, यहाँ का महिमा भाई, ये मंदिर हमारे पीछे, और प्रसाद ले चुके हैं और प्रसाद अभी जाकर चढ़ाएंगे। और हमारी टीम ये देखे सेल्फी, सेल्फी पॉइंट चल रहे, सेल्फी भी चल रही है और इधर वीडियोस भी बन रहे हैं। तो भाई आ जाओ सभी, आ जाओ। ये देखो, ये देखो हम अपने सभी टीम के साथ। चलो गाइस नहीं लाइन लग जाएगी, चलते हैं मंदिर में भाई। तो दोस्तों हम आ गए हैं मंदिर में नीम करौली धाम में, यही वो पावन धाम है और पवित्र धाम है जिसको देखने के लिए लोग विदेश विदेश तक से आते हैं। और ये देख सकते हैं, हे गाइस, एक्चुअली इस मंदिर में रिकॉर्ड करना मना है और यहाँ जगह जगह गार्ड भी है, इसलिए सॉरी मैंने अंदर का व्यूज़ नहीं दिखा पाया आपको। ये वही धाम है जिसके लिए हम इतने दूर से आए और इसके आगे भाई वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं और वीडियो बनाना मना है वहाँ उधर। तो दोस्तों ये जो धाम है कैंची धाम, यहाँ महिमा बता दो भाई, यहाँ इंडिया छोड़िए इंडिया से बाहर से भी लोग आते हैं और ये बहुत फेमस धाम है। मैं बता दूं यहाँ अमेरिका जैसे देश के पावरफुल लोग यहाँ आ चुके हैं इस धाम का महिमा पाने के लिए। मैं बता दूं कि जैसे एप्पल कंपनी का नाम आप सुनेंगे, उसका मालिक जो है स्टीव जॉब्स, जब उसके पास कुछ करने का नहीं था तो बेचारा यहीं आया और आने के बाद यहाँ नीम करौली बाबा से वो मिला और बोला कि बाबा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने जीवन में क्या करूँ। तो बस उन्होंने बोला कुछ नहीं कि एक सेब, बाबा ने अपने हाथ में एक सेब लिया और उन्होंने एक काटा, उस सेब को काटा और उसके हाथ में दे दिया, बोले कि लो जाओ तुम्हें जो इस सेब से जो करना है कर लो। आज वो कटा हुआ सेब भाई, आज वो कटा हुआ सेब आप सभी के बीच राज कर रहा है, जो कि एप्पल कंपनी के नाम से है, एप्पल कंपनी के नाम से। हाँ जी, वही जो लोगो देखते हैं कटा हुआ लोगो, वो एप्पल कंपनी के, और वो यहीं से मिला था दोस्तों, यहीं से इसी धाम से वो कंपनी का लोगो मिला है। और वो कंपनी का इसी समझ सकते हो कि कंपनी आज वो पूरे वर्ल्ड में कहाँ रैंक करती है और उसका स्टेटस क्या है पूरे वर्ल्ड में। वैसे ही मैं आपको एक और बता दूँ कि सर फेसबुक तो सभी चलाते हैं, हर किसी के मोबाइल में फेसबुक होगा और लड़के बूढ़े जितने भी हैं यंगस्टर हम जैसे लोग सभी लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। क्या हुआ, मार्क जुकरबर्ग को किसी ने बताया कि भाई वो भी वैसा ही उसका फेसबुक, एक बार हुआ कि उसका फेसबुक नीलाम होने पर आ गया, मतलब बिक जाता कुछ से समय में, तो उसने किसी से मिला और उन्होंने उससे बताया फोटो भेजने कि अगर आपको अपने कंपनी को संभालना है तो आप इंडिया जाओ और इंडिया में यहाँ उत्तराखंड में नीम करौली धाम है, जो कि कैंची धाम के नाम, नीम करौली बाबा के कैंची धाम से है, और वहाँ जाओ और वहाँ जाकर दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे दोस्तों। और हकीकत में वहाँ आए और आकर बाबा का दर्शन किए, दर्शन करने के मात्र से जब यहाँ से वो लौट कर गए दोस्तों, उनकी फेसबुक का टीआरपी और उनकी फेसबुक का लोकप्रियता और बढ़ गया भाई। मैं बता दूँ यहाँ इस धाम का इतना मान्यता है, इतनी मान्यता है कि लोग यार बस पागल हो जाते हैं, इस धाम का नाम सुनते ही लोग पागल हो जाते हैं। तो यहाँ की जो ये महिमा है भाई, मैं जब इस धाम के बारे में सुना तो मुझे रहा नहीं गया, हम लोगों के बीच मतलब हम चार पांच फ्रेंड के बीच में हमने उनसे बोला कि भाई चले चलते हैं कैंची धाम होकर आते हैं। कुछ दिन से मैं सोच रहा था, लेकिन जस्ट हम लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे और मैं आया, बोला कि भाई क्या हम कैंची धाम चलें, कहने का मात्र चार लोग तैयार हो गए और उस दिन ही प्लान को कन्फर्म कर दिया गया। और काफ़ी मुसीबत भी इस बीच में हमारे साथ हुई, लेकिन हमने यहाँ आना नहीं छोड़ा,
कुछ दिन पहले भी हमारे साथ, एक दो दिन पहले भी ऐसे मतलब कुछ बातें हो गई थी जिससे हमें लगा कि कोई रोक रहा है, लेकिन बाबा के महिमा, नीव करोनी बाबा की महिमा और बजरंग बली की महिमा, हमें किसी ने नहीं रोका और सारे समस्याएँ हमारे सॉल्व हो गए और आज आपके बीच में यहाँ नीव करोनी धाम में मैं उपस्थित हूँ दोस्तों। तो बाबा के महिमा है बहुत अपरंपार है दोस्तों, बहुत मतलब इनकी महिमा मैं क्या बताऊँ। धन हो गया यहाँ, यहाँ आने के बाद एक अलग सी शांति महसूस हुई दिल में, जो कि वो शांति और कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, बस प्रभु की कृपा है। और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं, जितने भी हमारे वीडियोस वॉच कर रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, हे नीम करोनी बाबा, हे बजरंग बली, सब पर अपना कृपा बनाए रखें, सबको अपना अपना मुकाम हासिल हो और सबकी मनोकामनाएँ पूरी हो जाए। तो दोस्तों आइए हम और भी चीज़ें कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल मैं बता दूँ कि कुछ महीने पहले ही विराट कोहली भी यहाँ आए थे, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और यहाँ आने के बाद भाई उनको कोई नहीं, शतक पे शतक जड़े जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ के इस कैंची धाम की महिमा। तो जय हो बाबा। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं एक बार प्रेम से बोले जय कैंची धाम, जय बजरंग बली। तो दोस्तों यहाँ से आप ये व्यू देख सकते हैं कैंची धाम का, नीव करोनी बाबा का ये मंदिर है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था कैंची धाम का। और आज ये देखिए सुप्रसिद्ध धामों में से एक धाम है दोस्तों, और इनकी महिमा तो मैं आपको बताया ही, और इनके भक्तों का तादाद देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं होता जहाँ इससे भी ज़्यादा क्राउड ना हो। आज तो शनिवार है और आज तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है दोस्तों, और एनी टाइम रहता है भाई। ये देख सकते हैं आप, पूरा ऊपर तक मैं दिखा दूँ, ये पहाड़ हम लोग ऊपर से नीचे उतरे हैं और ये पूरा वादियाँ आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है नीव करोनी बाबा का धाम। अब मैं इस नीव करोनी धाम का इस ब्लॉग को एंड करता हूँ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और फ्रेंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये देख ले पीछे नीव करोनी धाम। दोस्तों हम नीव करोनी धाम का वीडियो शूट कर चुके हैं और अब वापिस हम निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं नीव करोनी धाम का यहीं वीडियो स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नैनीताल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।